यानी मिड डे मील, जिसकी अब होगी व्यापक समीक्षा। खबरों के मुताबिक MDM की वर्तमान प्रक्रिया ठीक है या उसमें सुधार होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होने वाली है। विद्या के मंदिर को गरीबों का लंगर न बनाया जाए, MDM को पूर्णतः खत्म कराएं, उसे किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं, फिर तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगेगा। ये मांगे हैं अध्यापकों की और समाज सेवियों की। MDM पर प्रति छात्र कन्वर्जन कॉस्ट दिया जा रहा है, वही धनराशि छात्र को उसकी प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर उसके जनधन खाते में माह के अंत में पोस्ट कर दी जाए। इससे विद्यालय लंगर बनने से बचेगा, शिक्षक को पढ़ाने का समय अधिक मिलेगा और अधिकतम पैसे मिलने के लालच में अभिभावक बच्चों को स्वतः स्कूल भेजेंगे। जो अभिभावक खेत में गेहूं कटवाने ले जाते हैं या भैंस चराने भेज दिया करते हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ताकि उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके और पैसा ज़्यादा मिल सके। अक्सर स्कूलों में जांच में यह बात पता चलती है कि उपस्थिति 50 है और MDM में संख्या 70 दर्ज है और इस पर कार्रवाई हो जाती है। कोटेदार ने 50 की जगह 45 किलोग्राम की बोरी दी, इस पर भी संशय रहता है। 50 बच्चे नामांकित आते हैं तो उनके साथ 15 छोटे बच्चे आ जाते हैं जो नामांकित नहीं होते। अब मास्टर 65 न दिखाए तो MDM अपनी जेब से खिलाए, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। न कोटेदार को कोई रोक सकता है, न मास्टर छोटे गैर नामांकित बच्चों को आने से रोक सकते हैं, क्योंकि नामांकित बड़े बच्चे ही उन्हें खिलाते हैं। जब उनके माता पिता दिन में मजदूरी करने के लिए गए होते हैं, छोटे बच्चे को यदि मना करेंगे तो बड़े बच्चे उन्हें खिलाने के लिए रुक जाएंगे और स्कूल नहीं आएंगे। अतः यह आवश्यक हो गया है कि MDM को समाप्त किया जाए, उसका पैसा सीधे उनके खाते में भेजा जाए। जिस प्रकार सरकार सोचती है कि बच्चों को दंड देकर उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार यह भी सोचना चाहिए कि मास्टरों को दंडित करके MDM में सुधार नहीं किया जा सकता। माँ से बेहतर भोजन कोई नहीं दे सकता, इसलिए बच्चों के जनधन खाते में पैसा भेजकर MDM से उत्पन्न सारी समस्याओं का समाधान करें। एक बार फिर MDM को समझ लें। देश में औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में 2408 ब्लॉकों से हुई थी, जबकि पूरे देश में यह 2004 में लागू हुई। यह योजना स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ाने, उन्हें नियमित तौर पर स्कूल आने व स्कूल न छोड़ने के लिए प्रेरित करना और बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर करने के लिए चालू की गई थी, लेकिन यह योजना अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।